तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक फ़ोन जो कि है Realme GT Master Edition। तो जल्दी से फ़ोन को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने Realme GT Master Edition की अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक गिवन है वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम Realme GT Master Edition के फीचर डिस्कस करेंगे और उनको टेस्ट करके देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से अनबॉक्सिंग कर ली थी। इस फोन को अच्छे से यूज करके जो भी अच्छे से अच्छा रिव्यू होगा वो देने की कोशिश करूंगा। होम स्क्रीन को लेफ्ट स्क्रॉल करने से न्यूज लेटर आ जाता है जिसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेटिंग्स में जाके चेक करके देखते हैं कि हमें इनिशियली कितना स्टोरेज मिलता है। ये 128GB वेरियंट है। 128GB में से 13GB के नियर अबाउट सिस्टम स्टोरेज है, उसके अलावा आपको फ्री स्पेस देखने को मिलता है। अब हम सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फोन में चेक करेंगे इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है और कितनी रैम है। इस फोन में आपको बहुत ही फास्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है। इनिशियल रैम आपको 8GB देखने को मिलती है। ड्यूल सिम मोबाइल है, एंड्रॉइड आपको 11 मिलता है और रियलमी क्लेम करता है कि इसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको फोन में जो भी अपडेट्स मिलते हैं टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहें। ये फोन में बग्स को रिमूव करते हैं और स्टेबिलिटी को एनहेंस करते हैं। इसी अपडेट में आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एडिशनल सेटिंग्स में देख लेते हैं, OTG करेक्शन है, डेट मीन्स ये OTG सपोर्ट करता है। एंड बैटरी ओके, तो ये आईफोन तो है नहीं जिसमें बैटरी हेल्थ शो करेगा, लेकिन इसमें पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड जैसे फीचर देखने को मिलते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत पावर सेविंग आपको देखने को मिल सकता है इमरजेंसी में। और काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप चाहते हैं तो उनको फोर्स स्टॉप या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। सेफ्टी रीजंस को ध्यान में रखते हुए आपको ऑन स्क्रीन फिंगर प्रिंट सेंसर और फेस लॉक सिस्टम आपको देखने को मिलता है जो कि स्मूथ है, फास्ट है और एक्यूरेट है। अब हम फोन की ऑडियो टेस्टिंग भी करके देखते हैं। सबसे पहले जो मोबाइल में रिंगटोन्स हैं उनको चला के देखेंगे। एक बात जो कि काफ़ी अच्छी लगी कि पर्सनलाइजेशन में जाके जो आपको थीम्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अपडेटेड है। जो थीम्स, वॉलपेपर और बाकी जो भी विजेट्स हैं वो आपको पेड और फ्री दोनों ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। आप आइकन्स, नोटिफिकेशन, एज कल्ड्रिंक्स, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हैं वो आप चेंज कर सकते हो। इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ऑन स्क्रीन है तो इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फिंगरप्रिंट एनिमेशंस भी देखने को मिलते हैं जिनको आप लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। अब इसकी अनलॉक स्पीड में तो काफ़ी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों को एनिमेशंस थोड़े पसंद हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शंस है। एक चीज़ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है एज कलरिंग्स। कोई भी मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आती है, कॉल आती है तो स्क्रीन के एजेस पे इतनी ब्यूटीफुल कलरिंग आती है जो कि एकदम ज़बरदस्त लगती है। वैसे कंपनी की तरफ से कोई भी स्क्रीन गार्ड इसमें लग के नहीं आता। वैसे इसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, पूरा भर रखा है फ़ोन, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स है, कहीं पर लैग नहीं होता है। किसी भी प्रकार का हीटिंग इशू मुझे अब तक देखने को नहीं मिला। और जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनको काफ़ी पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत ही फास्ट फोन है। अब हम इसके कैमरा की टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल कैमरे की बात करें तो इसमें जो डिजिटल जूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल और एक जूम फोटो में देखेंगे तो सेम क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप व्लॉगिंग के लिए ये कैमरा यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी शेकिंग प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप उबड़ खाबड़ एरिया में भी बना रहे हैं, चलते हुए बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिलता है। वीडियो में भी आप 10x तक जूम कर सकते हैं और 10x करने के बाद भी क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ब्लर नहीं है, सब कुछ क्लियर इसमें देखने को मिल जा रहा है। प्रॉपर जूम आउट कर दिया है मैंने। अब देखो मैं जूम इन करके दोबारा से दिखा रहा हूँ, वहाँ पे जो चलती हुई कार्स हैं वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। आप अच्छे से जूम इन करके देख सकते हो। मतलब अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, साथ में आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। अभी इवनिंग का टाइम है और नाइट मोड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। नाइट मोड में जो फोटोज़ है वो ठीक ठाक है।
अगर प्रॉपर हम डार्कनेस में देखें तो थोड़ी सी नॉइसेस में देखने को मिलती है। अब इस फोन में पोर्ट्रेट मोड हम चेक कर लेते हैं। पोर्ट्रेट से मैं कुछ फोटोज क्लिक करके दिखाता हूँ। फोकस हो रहा है अच्छे से और यहाँ मैं आपके कुछ फोटोज क्लिक कर लेता हूँ और उनको बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। जो पोर्ट्रेट में फोटोज आ रही है वो अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल ही ब्लर आ रही है। मतलब बैकग्राउंड तो है ही ब्लर लेकिन ऑब्जेक्ट भी ब्लर है। लैंडस्केप करके भी मैं जैसे फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी भी जैसे फोटो दिखते हैं वो भी ब्लर है। लेकिन जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें काफ़ी अच्छी फोटो देखने को मिलते हैं। क्रिस्प फोटो है, नॉइसेस कम है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा ब्लर है, एजेस बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से आपको कुछ सैंपल लेके दिखाता हूँ 64 मेगापिक्सल की। अभी हम फोकस कर लेते हैं और कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं तो देखते हैं काफ़ी अच्छा जूम है, बिल्कुल अच्छे एजेस हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा ब्लर किया है और क्वालिटी वाइज भी बहुत है। काफ़ी 6-7 MB इसकी फ़ोटो आती हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ फिर से, जो पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ हैं उसमें इतनी ज़्यादा ब्लर देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट ही इतना ब्लर है, पता नहीं क्या सीन है, ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या किस चीज़ में है। लेकिन फ्रंट कैमरे में अगर हम टेस्ट करने की कोशिश करें पोर्ट्रेट और जो नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं उनको जैसे टेस्ट किया वो काफ़ी ठीक, काफ़ी अच्छा ब्लर है, एजेस बिल्कुल ठीक है। लेकिन पता नहीं बैक में क्या इशू है। अगर आप फ्रंट कैमरा भी यूज़ करना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो बहुत अच्छा है, मतलब इतने अंधेरा होने के बाद भी बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग हुई है इसमें। मैं आपको थोड़ी सी ऑडियो टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। वैसे ऑडियो टेस्टिंग मैंने करके दिखा दी थी, अब मैं कुछ यूट्यूब पर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ आपको। फ़ोन के साउंड काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा। वैसे सब फोन्स की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। डे टू डे यूजेस के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मल्टीटास्किंग है, बहुत ही स्लिम है, गुड क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ है इस फ़ोन को बनाने के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन है तो आप उसको चेंज करके अलग अलग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें कैमरा में जाके और फीचर्स की बात करें तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मूवी सिस्टम है, टाइम लैप्स है और जो माय पर्सनल फेवरेट है जो कि है ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मतलब आप एक ही टाइम में फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि इमर्जिंग है। आप एक ही टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप एक ही टाइम में फ्रंट और बैक वीडियो से अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा व्लॉगिंग के लिए सेटअप हो सकता है। स्लो मोशन, टाइम लैप्स, अल्ट्रा मोड, ऐसे काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं जो कि एकदम अच्छे हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए जो पोर्ट्रेट है वो पर्सनली मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फ़ोन का फोकस भी काफ़ी अच्छा है, आप बार बार टैप टू फोकस करते हैं तो काफ़ी जल्दी फोकस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। फ़ोन का मैक्रो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिमिलर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच for watching this video.